हेलो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज जोशी है और मैं एक छोटे से कस्बे बड़वानी जो कि एक एमपी में सिचुएटेड एक छोटी सी जगह है वहाँ से मैं आया हूँ। मैं अभी वर्तमान में आईटी से रिलेटेड बहुत सारे काम कर रहा हूँ और उसको मैंने एसोसिएट किया है नेमोरिक साइंस से। मेरा अपना काम है लोगों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी देना। कंप्यूटर का अपना की एक डेफिनेशन होती है कि आप जो इनपुट उसको देते हैं कीबोर्ड के थ्रू वो सारा सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है और आउटपुट के रूप में मॉनिटर में मिलता है। सेम चीज़ मुझे यहीं पे लगी, मुझे लगा कि हम फाइव सेंस से इन्फॉर्मेशन हमारे सीपीयू या हमारे माइंड में देंगे। जैसे सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं वैसे ही हमारे माइंड के दो पार्ट मुझे पता लगा फर्स्ट टाइम के लेफ्ट और राइट पार्ट होते हैं। जैसे मेमोरी होती है कि कंप्यूटर की एक अस्थायी और एक स्थायी, सेम की सेम चीज़ मुझे लगा कि अस्थायी मेमोरी लेफ्ट माइंड में होती है और स्थायी मेमोरी राइट माइंड में होती है। यदि हम लेफ्ट से राइट में अगर इंफॉर्मेशन को डाल दें तो जैसे कंप्यूटर एक सेकंड में आपको आउटपुट दे देता है सेव थिंग्स की, वैसे के वैसे आपका माइंड आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले टेक्सवे कंपनी और उसकी सब ब्रांच बैगलेस इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक नई चीज़ लेकर हुआ है और इस नई चीज़ से मैं कई लोगों को नए आयाम पर पहुँचा सकता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। साथ में मुझे ये खुशी हुई कि मैं एक विद्यार्थी भी हूँ आज, और एक शिक्षक हमेशा विद्यार्थी होना चाहिए। तो मैं एज ए ई कंसल्टेंट यहाँ से जुड़ा हूँ और न्यूमेरिक साइंस के द्वारा मैं अपने स्टूडेंट्स को कई तरह की चीज़ें नई तरीके की चीज़ें दे सकता हूँ और अपने इस काबिलियत को लेके बहुत कष्ट अर्न कर सकता हूँ। अभी मैंने सिर्फ लर्न करा है और लर्न के अंदर ही अर्न छुपा हुआ है। तो दोस्तों, पहले लर्निंग करिए, देन इजीली आप अर्निंग कर सकते हैं। यह एक सूत्र मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ और उसके लिए मैं हमारे मेंटर जिन्होंने हमें इतनी शानदार जानकारी दी, नोबर्ट पेनेट सर का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ और साथ में नरेंद्र सर का भी।